जो सब्सक्राइबर का रोल है वो बिल्कुल डिफॉल्ट होते हैं, उसके अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिन की एक्सेस मिलती है, एंड एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर विद हिम उसमें सिर्फ वो एक्सेस मिलेगी, उसके अलावा ना वो कोई पोस्ट कर सकता है, ना कोई पेज क्रिएट कर सकता है, कुछ भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। सेकेंड वन इज कंट्रीब्यूटर, इफ एनी बडी वॉन्ट टू राइट फॉर योर ब्लॉग आप उसको एक्सेस दे देते हैं, वो एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करता है और उसको सबमिट कर देता है और वो हमेशा रिव्यू के लिए चली जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के पास या एडिटर के पास। अब एडमिनिस्ट्रेटर या एडिटर उस पोस्ट को रिव्यू करने के बाद अप्रूव भी कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। अप्रूव कर देगा तो वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगी और डिक्लाइन कर देगा तो वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ऑथर है इसके पास एक्सेस होती है कि ही कैन राइट और ऑटो पब्लिश। ठीक है, इसको इसकी जो पोस्ट है रिव्यू में नहीं जाती, उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली अब पब्लिश होती जाती है। ठीक है, और इसके अलावा वो पेजेस में भी किसी हद तक चेंजेस कर सकता है। एडिटर जो है इसके पास फुल एक्सेस होती है पोस्ट की, पेजेस की, वो किसी के लिखे हुए ब्लॉग पोस्ट को रिव्यू करके उसको अप्रूव और डिक्लाइन भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूटर के। ठीक है, और उसके पास एक्सेस नहीं होती कि वेबसाइट का कोई नया यूजर क्रिएट कर सके, वो वेबसाइट का थीम चेंज कर सके, या वो वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन ऐड कर सके, उसके पास ये एक्सेस नहीं होती। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास फुल एक्सेस होती है एवरीथिंग यू सीइंग हियर, और इसके अलावा कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करके जो नए फंक्शन यहाँ पर शो होते हैं वो तमाम की एक्सेस जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने डैशबोर्ड डिस्कस कर लिया कि आपको होम पे क्या नजर आता है, अपडेट्स क्या होती हैं और कैसे अपडेट करनी है, पोस्ट क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, टैग्स क्या हैं, मीडिया के अंदर कैसी कैसी फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं, पेजेस क्या हैं और उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, कमेंट्स क्या हैं और उन्हें आप कैसे क्रिएट करते हैं, अपीयरेंस में हमने डिस्कस कर लिया थीम्स। बेसिकली अभी फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ जो फ्री थीम्स हैं उनको यूज इंस्टॉल किया है, और जो बेसिक कस्टमाइजेशन लाइक लोगो चेंज कर दिया, कलर स्कीम चेंज कर दी, फोन फैमिली अगर ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे वो चेंज कर दी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। विजिट्स हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया कि विजिट्स क्या हैं, ये कैसे साइड बार में, कैसे फुटर में और कैसे डिफरेंट पेसिस ऑफ द थीम जो भी उस प्रोवाइडर ने, थीम के क्रिएटर ने प्रोवाइड किए हों वहाँ पे वो डिस्प्ले कर सकते हैं, और डिफरेंट जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस के विजिट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था मेन्यू, आप मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन लोग कोई लोकेशन कैसे असाइन कर सकते हैं और कैसे एक मेन्यू को विजिट में भी ऐड कर सकते हैं, हम ये भी लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। हेडर एंड बैकग्राउंड, इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द वेबसाइट और यू वांट अ हेडर बिहाइंड द लोगो, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कस्टमाइज में आ जाती हैं और इस वहीं पे आई ऑप्शन आपको यूजली मिल जाती है। थीम एडिटर का मैंने बताया था कि ये कोड से रिलेटेड है, इसको यूजली हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिक जो है वो बता देंगे, लेकिन जो कस्टम डिफॉल्ट क्या कहते हैं कोड का मेन वर्क है वो हम उसको छोड़ें। ठीक है, उसके बाद यूजर्स भी हमने मैंने थोड़ी पहले बता दिया कि यूजर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं टूल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि ये अवेलेबल टूल्स, ठीक है, और कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्ट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स, ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे टूल जो है ये अवेलेबल है अगर आप करना चाहते हैं तो, इन केस आगे पास बहुत ज़्यादा टैग्स हैं और आप उनको वन बाई वन कैटेगरीज में क्रिएट नहीं कर सकते तो आप यहाँ से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन आती है इम्पोर्ट का, एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, ये दोनों ऑप्शन में चेक कर हम अभी ट्राई करेंगे। हम दे जाते हैं डैशबोर्ड पे अगेन वापस होम पेज पे। आप देखेंगे कि ये नोवर 11 का वर्जन है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कितनी पोस्ट क्रिएट कर ली है, 58 पोस्ट क्रिएट की हैं, 21 पेजेस हैं और 14 कमेंट्स हैं। ये वेडनेसडे को मैंने एक डेमो थीम इंस्टॉल किया था और उसके पेजेस क्रिएट किए थे तो इसलिए इतने ज़्यादा पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक वर्जन ओपन करते हैं, मैं इनकॉग्निटो फॉर्मेट में जाता हूँ, लोकल होस्ट / November 9। ये हमने एक और वर्जन वर्डप्रेस का इंस्टॉल किया था इस दिन। ठीक है, ये बेसिकली हम दोनों ऑप्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आप एक वर्डप्रेस में कैसे कोई डाटा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी और थीम का या किसी और वेबसाइट का, एडमिन मैं इसको लॉग इन करता हूँ। हम आते हैं November 9 के वर्डप्रेस एडमिन में और यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है 2 posts and 1 page। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इतना भी कंटेंट है, मेरे पास 58 posts, 21 pages, 14 comments, मैं इनको मूव कर लूँ इस वेबसाइट पे। अब मैं इनको वन बाई वन क्रिएट करूँ यहाँ पे जा जाके वो सारे पेजेस सारी पोस्ट, तो इट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक टूल अवेलेबल होता है जिसे आप कहते हैं एक्सपोर्ट का, उस वेबसाइट में जहाँ पे सारी पोस्ट एंड पेजेस क्रिएट हैं। ठीक है, मैं यहाँ से वो मुझसे पूछते हैं आपको क्या कंटेंट एक्सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ पोस्ट करनी है
आपको सिर्फ पेजेस करने हैं, आपको सिर्फ मीडिया फाइल्स जो पिक्चर्स पीडीएफ फाइल्स एंड वीडियोस ऑडियोस जो भी हैं सिर्फ वो करनी है। मैं कहता हूँ ऑल कंटेंट और मैं डाउनलोड एक्सपोर्ट पर फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इट्स एन एक्सएमएल फाइल। इस एक्सएमएल फाइल के अंदर वो सारा का सारा डाटा है उसके बारे में वो क्रिएट करके जहाँ पे वो कर देगा, ठीक है, डाउनलोड कर देगा। अब ये मेरे पास डाउनलोड्स में आ गया। November 23rd को हमने ये वर्डप्रेस का जो है ना बैकअप ले लिया, बेसिकली डाटा सब सारा डाटा जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया। ये डाटा हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, आप देखें यहाँ पे कितने हैं, 2 posts, 1 page, 1 comment। अब मुझे ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। मैं क्लिक करता हूँ इम्पोर्ट पे। ओल्ड वर्जन में हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था क्योंकि हम डाटा एक्सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हमें टोटल डाटा अपलोड करना है। और ये डाटा हमने कहाँ से फेच किया है, वर्डप्रेस से, दिस इन वर्डप्रेस। इसके अलावा अगर आप ब्लॉगर से करना चाहें, आप लाइव जर्नल एक वेबसाइट है वो भी वहाँ से करना चाहें, वो भी टाइप एंड टाइपराइट से करना चाहें, ये भी CMS के सॉल्यूशंस हैं। RSS फीड्स जो किसी थीम ने प्रोवाइड किया वहाँ से करना चाहें। टम्बलर इज एन अनदर ब्लॉगिंग सॉल्यूशन, अगर आप वहाँ से करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि हम वर्डप्रेस से कर रहे हैं तो मैं वर्डप्रेस का इंपोर्टर इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल नाउ, इट्स इंस्टॉलिंग। जब तक ठीक है ये इंस्टॉल हो गया, अब वो मुझे कह रहे रन इंपोर्टर। अब रन इंपोर्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप चूज फाइल, ठीक है, और ये फाइल थी हमारी दिस वन, और इसकी मैक्सिमम साइज 64 MB हमें अलाउ है। अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट, ये आई थिंक 1.5 MB की साइज, 1.56 MB की फाइल है। ये देखिए अभी उसने जो डाटा था वो सारा उठा लिया। अब वो मुझे बता रहा है कि एक यूज़र, एक ऑथर भी आ रहा है, एक यूज़र जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था इस ओल्ड वेबसाइट पे, तो कह रहे यूज़र है इसको भी आपने क्रिएट करना है, या जितनी भी डाटा उसने क्रिएट किया है उसको आप अपने यूज़र पे ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हम हमारा जो यूज़र है उसके अगेंस्ट इसको ऐड करते हैं। अब इसके यहाँ पे हमने दो यूज़र क्रिएट किए थे लास्ट टाइम मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर, हमने एक नया यूज़र क्रिएट किया था Edmund123 के नाम से, तो वो यूज़र भी एग्जिस्ट करता है और वो यहाँ पे नहीं है। तो वो कह रहा है कि इस आंसर को भी क्रिएट करने के नहीं करना। मैं कहता हूँ कर लें, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि जो पिक्चर्स और जो फाइल अटैचमेंट्स हैं वो भी करनी है कि इंपोर्ट करनी है कि नहीं करनी। ये यूजली होता है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चेक इन नहीं होता, क्योंकि जब आप इस ऑप्शन को क्लिक चेक कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि पिक्चर्स को लोड करने में और डाटा को क्या कहते हैं इंपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सबमिट करते हैं, लेकिन ये लोकल होस्ट से शायद जल्दी हो जाए। दिस इज November 1 जहाँ पे हम डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज November 11 जहाँ से हमने डाटा एक्सपोर्ट किया। 58 फाइल्स, 21 पेजेस एंड 14 कमेंट्स एंड प्रॉब्ली मीडिया फाइल्स हैं यहाँ पे। ये डाटा भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इट मे टेक सम टाइम, ठीक है। ये ठीक है, मुझे फर्ज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो चीज़ें टूल्स से जो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया। साइट हेल्थ के बारे में ऑलरेडी बता चुका था कि ये जो साइट हेल्थ है ये बेसिकली आपके सर्वर की चीज़ों को डिफरेंट टूल्स को चेक करती है, आप कैसे उनको अपडेट करके इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हम सर्वर पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये है 4 recommended improvements जो हैं, इसने बताया कि आपके पास कोई क्रिटिकल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन क्रिटिकल इश्यूज़ यूजली तब नजर आएंगे जब आप क्या कहते हैं सर्वर पर साइट पर अपलोड करते हैं। तो कुछ सर्वर में बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शन डिसेबल होती हैं, कुछ सर्वर की जो लिमिट होती है अपलोड लिमिट वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की होती है। जैसे मेरे पास 264 है, दिस इज़ गुड, लेकिन अगर आप जैम डिफॉल्ट करें तो IT 32 MB स्पेस देता है। तो अगर आप 32 MB से बड़ी फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो या 32 MB से बड़ी फाइल अपडेट कर रहे हो तो साइट है वो क्रैश कर देती है। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर शायद वार्निंग शो हो रही होगी कि आप अपनी जो वेबसाइट की जो अपलोड स्पीड जो लिमिट है उसको एक्सटेंड करें, ठीक है। अब ये यहाँ पे उसने मुझे 4 recommended improvements दी हुई है। नंबर 1, रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स, ठीक है, रिमूव इनएक्टिव थीम्स, 1 or more recommended modules are missing, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से। द ऑप्शनल मॉड्यूल इमेज इज नॉट इंस्टॉल, ये वो काफ़ी जो आपको सर्वर मिलेंगे उनमें ये यूजली जो है ना ये डिसेबल होता है, ठीक है। एंड योर साइट डजंट यूज HTTPS, HTTPS जो है ये गूगल की रिक्वायरमेंट हो गई है। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज मिल रहा है, और ये चूंकि लोकल होस्ट है तो इसमें शायद इतना ज़्यादा क्लियर ना हो,
लेकिन अगर आप ऐसी वेबसाइट जहाँ पे HTTPS ना हो तो आपको नॉट सिक्योर का ऑप्शन नजर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे इवन यहाँ पे भी अलर्ट शोर है, ठीक है ना। अब ये गूगल है तो ये देखें ना, दिस इज अ सिक्योर वेबसाइट। वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अभी जहाँ पे डेटा अभी तक इम्पोर्ट हो रहे हैं, सो इट मे टेक सम टाइम। और क्योंकि लोकल होस्ट है तो अब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कितना टाइम लेगा, तो इसलिए मैं आगे आगे डिस्कस करता जा रहा हूँ, ठीक है। साइट हेल्थ जो है ये जहाँ पे आपको बेसिक रिकमेंडेशन हो रही होंगी, अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है। और ये एक अच्छा हमेशा हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है कि जो भी आपकी थीम इनएक्टिव है उनको रिमूव कर दें, क्योंकि और जो थीम आपके आउटडेटेड होगी उनको हमेशा रिमूव कर दें। उसकी वजह ये होती है कि ये प्लगइन्स या थीम जो आपके सर्वर में बैठे रहें तो इनमें से कोई ना कोई एक क्रैक हो जाए या क्या कहते हैं हैकर एक्सेस कर लें तो आपकी पूरी वेबसाइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे सबसे जो शायद आप लोगों में से किसी को पता ना हो वो ना हो, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है, लेकिन पनामा का केस आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है। और पनामा जो केस था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक प्लगइन है रेवोल्यूशन स्लाइडर के नाम से, ठीक है। और वो जो फर्म थी, लॉ फर्म जो भी थी, और इसका नाम नहीं देखी जा, उस लॉ फर्म की जो वेबसाइट थी उसमें रेवोल्यूशन स्लाइडर का जो प्लगइन है यूज़ हो रहा था, और ये स्लाइडर का जो था ये आउटडेटेड हो गया था, उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया था इन टाइम, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ कि हैकर को एक्सेस मिल गई, हैकर उनके सर्वर में एक्सेस कर गया, और सर्वर में एक्सेस करके वहाँ पे इसको नजर आया डाटा, और उसने वो डाटा सारा का सारा जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनको प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब कुछ सब कुछ तो है इस एक प्लगइन ने स्टार्ट किया, और इस हैकर ने भी, ठीक है। तो हमेशा जो आपका इनएक्टिव प्लगइन हो उसको रिमूव कर दें। जैसे इस टाइम जो दो बार डिफॉल्ट थे, ये हमेशा मैं अपने सब साइड पर तो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये अकस्मत एंटी स्पैम है और हेलो डॉली है, ठीक है। तो ये मैं अपने पास रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा भी आपके पास जब थीम प्लगइन आप यूज़ नहीं कर रहे, बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप ले लें, लेकिन सर्वर से हमेशा उसको साफ कर दें, ठीक है। और ऐसे थीम्स को भी राइट ना हो वो यूज मैनी थीम्स, क्योंकि हमने टेस्टिंग के अंदर काफ़ी थीम जो है ना वो अपलोड किए हैं, एल फेरी प्रेफर दिस दिस दिस, तो हमेशा वो थीम एक मेन थीम यूज़ कर लें, और एक लेटेस्ट वर्डप्रेस जो भी थीम बैंक हो, जैसे 2020 है इस टाइम जो लेटेस्ट है उसको आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसके अलावा कोई थीम ना ही रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। और यही उसने हमें वार्निंग भी दी हुई है, ठीक है। HTTPS वो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, वो जिससे हम सर्वर पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं देखता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया कि नहीं हुआ, मैं इसको रिफ्रेश भी नहीं कर सकता। चलिए, अच्छा, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, जैसे मैंने बताया था एक पर्सनल प्रोफाइल आपका बन रहा होता है जो आपके यूजर नेम यूज़र के अगेंस्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हिस्सा वो नहीं, अब वो मेरे से पूछा यूज़र नेम जब वो ईमेल एड्रेस दें और सेंड रिक्वेस्ट करें तो वो फिर मुझे एक कन्फर्मेशन सेंड करेगा, और उसके बाद जो भी डाटा होगा उसका सारा डाटा बेस क्रिएट करके यहाँ पर कर देगा जिसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो यूज़र प्रोफाइल होता है ये मैंने बताया था यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, जो भी लॉग इन यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर आप बाकी यूजर एक्सेस करना चाहते हैं आप ऑल यूजर्स में जाएंगे, हाउ टू चेक योर प्रोफाइल, ये बेसिकली ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। यानी लोकल सर्वर भी इतनी स्लो, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेट भी वो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी तक इम्पोर्ट चल रहा है, देखिए इसने पेजेस जो है इम्पोर्ट कर लिए, राइट ना, वो पोस्ट कुछ शायद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टेक्स इट्स टाइम। देखिए पहले सिर्फ एक पेज था, अब 21 पेजेस शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये नवंबर 9 है, अब पोस्ट सिर्फ 2 शो हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो भी इन वे ऑन प्रोसेस है, ठीक है। डाटा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा प्रोफाइल है जो हम यूज़र प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अब यूज़र प्रोफाइल एक्सेस करते हैं कहाँ से, ये यहाँ पे, ये तो बिल्कुल राइट साइड पर टॉप राइट साइड बात जाए, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ नजर आएगी कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूज़र नेम, आपका लास्ट यूज़र नेम, आपके सारे डिटेल्स, आपका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के लिए आपको हमेशा ये जो ग्रेविटर है और wordpress.com है वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, वो प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और
ये एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, ये इरेज पर्सनल डाटा है, अगर आपको पर्सनल डाटा रिमूव करना है ये खास, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और हम आगे जाते हैं सेटिंग्स में, ये अब मेन है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा इसको थोड़ा सा वो करूँगा, डैशबोर्ड हमने डिस्कस कर लिया, पोस्ट हमने डिस्कस कर ली, मीडिया डिस्कस कर लिया, पेजेस डिस्कस कर लिए, कमेंट्स डिस्कस कर लिए, प्लगइन्स और सॉरी अपीयरेंस के अंदर थीम्स, विजिट्स, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड, थीम एडिटर की जो फ्री थीम्स जो हमने यूज इंस्टॉल किए हैं वो हमने ट्राई कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको ये दी थी टास्क दिया था कि आप कम से कम 10 जो थीम्स हैं उनको ट्राई कर लें, उन 10 थीम को ट्राई करके आपके पास अगर कस्टमाइज के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लें, ठीक है, वो वहाँ पर आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रीमियम प्लगइन्स वर्ड थीम्स हैं उनके लिए मैं सेशन कुछ कंडक्ट करूंगा, लेकिन वो सिर्फ उनके साथ जो वर्डप्रेस के अंदर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो एसईओ पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो कर लेंगे। अगर किसी ने वर्डप्रेस थीम्स के बारे में स्पेसिफिक लेक्चर देने हो तो मुझे मैसेज कर दे, फेसबुक पे कर दे या मुझे ईमेल कर दे, तो फिर हम उसके लिहाज से वेंडर चेक हो या किसी और दिन जो है ना क्लास एक स्केड्यूल करके तो वन बाई वन डिफरेंट थीम्स को हम जो है ना डिस्कस करते जाएंगे कि उस थीम को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं और किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप ई कॉमर्स थीम अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट वेबसाइट के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरह डिफरेंट जो है ना उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ऑल यूजर्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अवेलेबल टूल्स के अंदर एक टूल था कि आप कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इम्पोर्ट मैंने बताया कि इफ़ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट एवरी सिंगल फाइल ऑफ योर डाटा वेबसाइट, ठीक है, उसको आप अगर यहाँ से इम्पोर्ट करके किसी और वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और वो प्रोसेस लिए यूज होता है कि आप कभी अपनी वेबसाइट को कंटेंट डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, किसी और क्या कहते हैं लोकल पे एक बैकअप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या था, ये आप डाटा कैसे वेबसाइट का डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये हम दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, दो डिफरेंट वर्जन के। वजह नंबर 9 है जहाँ हम डाटा इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये नंबर 11 है जहाँ से हम डाटा एक्सपोर्ट किया था। साइट हेल्प के बारे में बताया कि ये जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वर्डप्रेस जो आपको कुछ नोटिफिकेशन से कुछ वार्निंग्स से कुछ एरर्स भी आप ठीक है अलर्ट देता है, इनको आप अपडेट कर लें तो आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गूगल जो है उसके 200 एल्गोरिदम है जिनकी बेस पे वो वेबसाइट को चेक करते हैं टू रैंक, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। डेट इज़ ऑल्सो फ्री। इस वन का मैसेज था कि जो मैं पूछ रहा हूँ वर्डप्रेस थीम की जो डिस्कशन है ये फ्री है, ये पेड है, ये फ्री है, ठीक है, लेकिन जो थीम हम डिस्कस करेंगे वो तो यूजली प्रीमियम होंगे, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट सम यूजर्स ऑफ योर ओन डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट और आप रेज करना चाहते हो रेज कैसे कर सकते हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया दोनों टूल्स को, इन तीन को दोनों को किया, इन दोनों को नहीं यूज कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो मुझसे यूजर नेम या ईमेल मांगेगा और मुझे वो कहेगा ईमेल मैं दे नहीं सकता क्योंकि ईमेल मैंने डमी यूज़ किया हुआ, ठीक है, तो मुझे ईमेल कर भी दे तो वो मुझे नहीं पता चला कैसे है, इसको मैं लाइव एक दफ़ा टेस्ट करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। और सेट अब हम आते हैं सेटिंग्स में, जनरल मेन सेटिंग्स, यहाँ से आप साइड चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और हमने देख आपको याद हो तो अपीयरेंस में कस्टमाइज के अंदर भी ये ऑप्शन आ रहा था कि आप साइड टाइटल और टैगलाइन जो था यहाँ से चेंज कर सकते थे। साइड टाइटल क्या है, दिस वन नवंबर 23 क्लास, जब वेबसाइट पे कहीं भी जाएंगे आप वही देखें ऊपर नज़र आ रहा है नवंबर 23 क्लास अलीसम एकेडमी। अगर आप गूगल पे जाएंगे जीमेल पे आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, इनबॉक्स और आगे मेरा ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप ये एग्जाम किस पे जा रहे हैं, डैशबोर्ड अलीसम एकेडमी, ठीक है, वेबसाइट एडमिन का एक्सेस है तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। देखिए अब यहाँ पर 51 पोस्ट जो है ना ये इम्पोर्ट हो गई हैं, 11 कमेंट्स हो गए हैं, टोटल 58 पोस्ट होनी है और 14 कमेंट्स होने हैं, तो ये भी इम्पोर्ट कर रहा है, ये इम्पोर्ट प्रोसेस में है, ठीक है, ये नज़र आ गया इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आज नवंबर 27 है, हम इसको 27 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया, लेकिन जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये नवंबर 23 जो है ये नवंबर 27 हो गया, ठीक है। और अलीसम एकेडमी एक टैगलाइन है, अगर आप किसी भी बिजनेस की जो भी टैगलाइन हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इट यूजली शो आफ्टर द वेबसाइट टाइटल, ठीक है, नवंबर 27 वैसे बट डैश अलीसम अकेडमी शो हो रही है, और जो टैगलाइन होती है यूजुअली हर पेज पे शो होती है। जैसे हम जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई पेज क्रिएट किया है होम, अच्छा ये क्योंकि मैंने थीम एक डमी इंस्टॉल किया था, ये सारे उसके पेज अब शो हो रहे होंगे, ठीक है, अगर ये ओपन होता है, अच्छा ये
जो वो थीम उठा के मुझे कहीं हो ले गया। ठीक है, अच्छा अब आता है वेबसाइट एड्रेस और साइट एड्रेस, इन दोनों को कभी भी नहीं छेड़ना। ठीक है, और स्पेशली जो न्यू यूजर्स हैं वो कभी भी ना छेड़ें, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा अगर आप यहाँ पे छोटी सी भी गलती कर दें तो आप अपनी वेबसाइट को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकेंगे, एंड देन यू हैव टू गो टू PHP माई एडमिन और वहाँ पर जाकर आपको ये चीज़ अपडेट करनी होगी। ये चीज़ जब आप सर्वर मूव करते हैं यूजली तब अपडेट होती है, जैसे हमें लोकल सर्वर जब इसको लाइव डोमेन में फेंकेंगे तो अपलोड करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा ये कैसे अपडेट होती है। ठीक है, और यूजली आप उसके डेटाबेस में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं बता रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटर ई मेल है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज एडमिनिस्ट्रेटर ई मेल, डमी एट डमी है। अगर मैं इसकी जगह abc@dummy.com करना चाहता हूँ, वो मुझे सेफ चेंजेस करता हूँ, वो आप सबसे पहले क्या करेगा, उसको इमिडिएटली चेंजिंग करेगा, वो मेरा एग्जिस्टिंग को मेंटेन रखेगा। अब वो यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल सेंड करेगा कि आप कंफर्म करें कि फलां यूजर आपको एडमिन बनाना चाह रहा है, तो अगर वो कंफर्म करेगा तो ओनली देन दिस यूजर विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन। ठीक है, और ये तब होता है। ठीक है, और एनी वन कैन रजिस्टर, ये अगर आप मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप देखें जो अलीसम अकेडमी की वेबसाइट है वहाँ पे कोई भी यूजर रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, और इसका जो बाय डिफॉल्ट न्यू यूजर डिफॉल्ट होता है वो स्टूडेंट होता है, जहाँ पे जो है आप जो मैंने आपको 5 मेन जो वर्डप्रेस के यूजर रोल्स हैं वो मैंने कल डिस्कस किए थे, मैंने थोड़ी पहले भी डिस्कस किए, सब्सक्राइबर क्या है, कंट्रीब्यूटर क्या है, ऑथर क्या है, एडिटर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें आप लोगों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हैकर को एक्सेस मिल सकती है या डिफरेंट यूजर को, यदि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बूट अटैक हो सकते हैं, इस चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बट इफ इट्स मेंबरशिप वेबसाइट तो आप अलाउ करते हैं, लेकिन फिर साथ कुछ क्या कहते हैं सिक्योरिटी के प्लगइन्स या पैरामीटर सेट करते हैं ताकि जो स्पैम या हैकर्स हैं वो एक्सेस ना करें। ठीक है, साइट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं, उर्दू करना चाहते हैं या यूनाइटेड किंगडम की जो इंग्लिश है वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जोन आप कोई सेट करना चाहते हैं वो ये UTC+5 आई थिंक GMT+5 है। ठीक है, और अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जो आप टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं इसके मुताबिक आपकी पोस्ट का टाइम और डेट सेट होती है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे 3 घंटे के बाद 28 हो जाएगी तो USA में अभी नहीं हुई होगी, तो अगर आप USA का टाइम सेट किया हुआ तो आपकी जो पोस्ट है अगर आप 12 बजे के बाद ही पाकिस्तान के 12 बजे के बाद भी कर रहे होंगे तो वो वहाँ पे 27 लिहाज से छोड़ रही होगी, वो 28 पे अपडेट नहीं होगी क्योंकि वो USA का टाइम ले रही होगी, जिस मुल्क का भी आप टाइम सेट करेंगे उसका टाइम ले रही होगी। ठीक है, डेट फॉर्मेट है ये डिफरेंट डे फॉर्मेट है, कुछ क्या कहते हैं अमेरिकन हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, तो आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, यूरोपियन आई थिंक ब्रिटिश वो अमेरिकन है। टाइम जोन है अगर आप यहाँ से 4:30 PM विद कैपिटल PM, ठीक है, 16:30 ये मिलिट्री टाइम होता है, अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें। वीक स्टार्ट ऑन मंडे, आप जिस दिन भी अपना वीक स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिहाज से बेसिकली जब आपके पास रिपोर्ट आती है ना एनालिटिक्स की या आपके पास दूसरी रिपोर्ट जो आप व्यू करते हैं तो वो भी आपको फिर इसी मुताबिक शो होती हैं अपनी वेबसाइट पे, नॉट ऑन गूगल एनालिटिक्स के जो मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नहीं। ठीक है, डेट को आप कर सकते हैं जी, वो बेसिकली इसलिए कोई प्लगइन चाहिए होता है या थीम के अंदर डिफॉल्ट खुद ऑप्शन शो हो रहा हो तो वो फिर आप उसी मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, आजकल क्योंकि जो रिकमेंडेड है वो ये होता है कि आप डेट को ना शो करें, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश पर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो अगर आपने पोस्ट लिखा हुआ है 2020 की बेस्ट रोइंग मशीन्स, तो जब 2021 होगा तो गूगल को लगेगा कि आप 2020 की आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को डी रैंक करना शुरू कर देगा और फ्रंट जो टॉप लिस्ट है उसमें रिमूव करना शुरू कर देगा, और अगर आपकी पोस्ट में वहाँ में मेंशन हुआ है कि आपने ये पोस्ट 2017 में की थी तो वो गूगल तो फिर उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, इन केस अगर उसके मुकाबले में अच्छा अच्छी कोई पोस्ट नहीं जनरेट ना होगी हो तो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली सेटिंग्स में, सेटिंग में मेन आ गया साइट टाइटल, टैगलाइन मैंने बताया, वेबसाइट URL और साइट URL, इन दोनों को कभी भी ना छेड़ें, इनको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की तो आप वेबसाइट को जो एक्सेस है उसे मिस कर देंगे, लूज कर देंगे, और आप दोबारा आपको जाके एडमिन में जाके चेंज करनी पड़े, वेबसाइट के डेटाबेस में जाके आपको कस्टम कोड चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको वेबसाइट की एक्सेस दोबारा मिलेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल मैंने बताया कि आप एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ईमेल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया कि एनीवन कैन रजिस्टर इन केस यू हैव अ मेंबरशिप वेबसाइट और यू वांट टू हैव मल्टीपल ब्लॉग राइटर्स ऑथर्स
तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं आपको नया यूजर रोल क्या डिफाइन करना है, सब्सक्राइबर का, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, साइट लैंग्वेज आप कैसे सेट करेंगे, टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट एंड वीक स्टार्ट होंगे, आप सब कुछ कैसे चेक करेंगे फ्रॉम सेटिंग्स, ठीक सेटिंग्स करते, ठीक है। अब हम आते हैं राइटिंग में, हम डिस्कस करें सेटिंग्स। और ये देखिए ये इम्पोर्ट फाइनली डन हो गया, उसने बोला ऑल डन, हैव फन, रिमेंबर टू अपडेट द पासवर्ड एंड रोल ऑफ इम्पोर्ट यूजर्स, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको जो पोस्ट वहाँ पे क्रिएट हुई थी ऑल 60 पोस्ट इसलिए कि दो इसकी अपनी पोस्ट उसने भी मुझे उसका ली, ठीक है, और एक कमेंट इसका अपना था, तो ये 58 वहाँ पे है, यहाँ पे 60 हो गई हैं, 15 कमेंट्स हो गए हैं, वहाँ पे 21 पेजेस हैं, यहाँ 22 क्योंकि इसका एक अपना डिफॉल्ट था, तो ये सारी पोस्ट जो हैं इम्पोर्ट हो गई हैं। ये हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, टूल्स में, डाटा कैसे एक्सपोर्ट करना है और डाटा कैसे इम्पोर्ट करना है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है, ठीक हो गया, मुझे लड़ सेंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये राइटिंग सेटिंग्स हैं, ठीक है। पोस्ट वाया ईमेल, अगर आप अपने ईमेल एड्रेस से कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आप अपने ईमेल से एक ईमेल सेंड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पोस्ट कर दे, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैंने खुद नहीं यूज़ किया, ठीक है, लेकिन अगर इन केस आप यूज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मेल सर्वर, आप यहाँ पे जो भी आपका मेल सर्वर होगा वो IPH पे है, वो गूगल मेल पे है, वो क्या कहते हैं हॉटमेल पे है, या आउटलुक आजकल है, आउटलुक पे है, या याहू पे है, जिस पे भी है, या जो भी आपका मेल सर्वर है उसको आपको वहाँ पे एक्सेस देनी होगी, आपको पोर्ट डिफाइन करना होगा, आपको लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देना होगा, और वहाँ पे आप जो पोस्ट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जो आप ईमेल सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक पोस्ट के तौर पे आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिटेल में अगर आपको डेमो चाहिए ना तो वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में शो कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे उसके लिए पहले आप लोगों को बताना होगा कि करना है कि नहीं करना, ठीक है। मैं एक क्या कहते हैं पोल क्रिएट कर दूंगा ग्रुप में, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, और ये रनिंग आउट ऑफ टाइम भी चल रहा है, ठीक है, 10 मिनट हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। जनरल हमने डिस्कस कर लिया राइटिंग, राइटिंग में ये था कि अगर आप कोई पोस्ट ईमेल के थ्रू सेंड अब ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से तो उसका यहाँ वो इस प्रोसेस को छोड़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी चेंज करना चाहें तो ये बाय डिफॉल्ट जो है अनकैटेगराइज होती है, अनकैटेगरी को हमने चेंज करके ब्लॉगिंग का नाम दे दिया था तो ये ब्लॉगिंग है। तो अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन चाहते हैं कि आप जितनी भी पोस्ट क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली इसमें कोई एक कैटेगरी से, जैसे मैं लाइव कर लेता हूँ दिस वन, तो आप कोई भी पोस्ट मैं क्रिएट करूँगा ऑटोमेटिकली लाइव कैटेगरी में सेव होती जाएगी अगर मैं वहाँ से उसको चेंज ना कर दूँ तो, ठीक है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट दिस वन, देखिए अभी सारे पोस्ट फॉर्मेट होते हैं, स्टैंडर्ड पर जाते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर रहे हैं, आप इमेज भी ऐड कर रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें आप हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस कोई आपकी स्पेसिफिक पोस्ट है जो सिर्फ जिसमें सिर्फ इमेजेस हैं, जिसमें गैलरी है, जिसमें कोट्स हैं, जो स्टेटस है, या वीडियो या ऑडियो है, तो वो भी वहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आप सिलेक्ट करेंगे ऑल पोस्ट और वहाँ पे जाके एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम आते हैं रीडिंग में, ठीक है। अब ये आ जाता है जो लेटेस्ट पोस्ट, मैं लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, सेव चेंजेस, सिर्फ मुझे एक मिनट लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ साइट के ऊपर, जी बाय डिफॉल्ट जो होता है लेटेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन होता है ना, ये होम पेज डिस्प्ले के अंदर ये सेट हुआ होता है, ठीक है। अब मैं होम पेज पर जाता हूँ तो ये मुझे सारी जो पोस्ट मैंने क्रिएट की किसी भी टाइम पे ये सारी मुझे शो कर रहे हैं। बट इन केस अब कॉर्पोरेट वेबसाइट है, वो कॉर्पोरेट वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है वो यूजली उसमें सारी पोस्ट नजर नहीं आ रही होती है, तो वो एक स्टैटिक पेज टाइप होता है, तो ठीक है, तब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू से कि आप जितनी पेजेस क्रिएट होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, वो आपसे पूछेगा वो कौन सा पेज होम पेज के तौर पर शो करना है। मैं अबाउट अस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूँ जो पोस्ट पेज है वो कौन सा होगा, वो कहते हैं अगर ब्लॉग का पेज यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, तो वो हम कॉन्टेक्ट उसको फिलहाल हम पोस्ट का पेज शो कर देते हैं। मैं इसको सेव चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा होम पेज पहले ये था जिसमें मेरी सारी पोस्ट क्रिएट हो रही थी, यहाँ से मैंने एक स्टैटिक होम पेज डिफाइन किया है कि ये एक सिंपल पेज होगा जो मैंने जैसा भी बनाया होगा वैसा शो होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमने अबाउट अस पेज ऐसे बनाया था, ठीक है, तो अब जो मेन पेज है हमारा वो ये वाला पेज बन गया, ठीक है। यूजली आप उसको होम पेज का नाम देते हैं और उसको सेटअप करते हैं, और हमने अपना जो ब्लॉग पेज है जिसमें हमारी सारी पोस्ट होंगी उस पेज को हमने कॉन्टेक्टर्स के तौर पर सेलेक्ट किया, लेकिन यूजली हम ब्लॉग के तौर पे एक नया पेज क्रिएट करते हैं उसको शो करते हैं। मैं कॉन्टेक्टर्स अगर यही पेज है तो आप देखें यहाँ भी अब सारी पोस्ट शो हो रही हैं क्योंकि आपने यहाँ से
सेटिंग्स चेंज कर दिए। बाय डिफॉल्ट जी ऑप्शन होती है जो लेटेस्ट पोस्ट, जिसमें आप जब जाते हैं तो आपके होम पेज पे आपकी सारी पोस्ट हो रही होती है। इन केस क्योंकि जब भी आप कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आप होम पेज पे सारी पोस्ट शो नहीं करते, वो सिर्फ ब्लॉग में करते हैं, ठीक है। तो आप एक स्टैटिक पेज डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टैटिक पेज डिफाइन किया अबाउट अस, और मैंने यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल होम वन कर देता हूँ, इसको मैं सेव सेटिंग करता हूँ, तो आप देखें मैं होम पेज पे जाता हूँ दोबारा, ठीक है। तो अभी देखिए होम पेज चेंज हो गया। अब क्योंकि उस होम वन के अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा तो डेट्स वाई इट्स शोइंग द एम्प्टी पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको अबाउट अस सेव पेज, तो अब देखिए हमारा जो होम पेज है वो चेंज हो गया, ठीक है। और इसी तरह आपका जो पोस्ट पेज है वो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके मुताबिक उसको वहाँ पे सेट जो क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ पोस्ट वो शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो आपसे मैं इसको लेटेस्ट पोस्ट करता हूँ फिलहाल, क्योंकि हम ब्लॉग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये हमारा मेन पेज है वो हमेशा ब्लॉग के लिए हमेशा लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब वो पूछे ब्लॉग पेजेस शोज एट मोस्ट, आपके फ्रंट पेज पे राइट नाउ 10 पोस्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसके बाद आ जाता है लोड मोड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, तो आप देखें अभी ज़्यादा पोस्ट मुझे शो कर रहे हैं, ये मुझे पूरी 20 पोस्ट शो करेगा, उसके बाद आएगा यहाँ का ऑप्शन लोड मोड। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, अब ये मुझे सिर्फ 4 पोस्ट शो कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और इसे नीचे आ रहा है लोड मोड का ऑप्शन, ठीक है। होम पेज पर किस आपने शो करना है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ चेंज कर सकते हैं, 10 स्टैंडर्ड है यूजली, 10 आप शो करते हैं, लेकिन मतलब इमेजेस बहुत बड़े हैं या वो कंटेंट बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं होम पेज पे, तो अभी वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर ईच पोस्ट इन द फीड, ये जो फीड्स हैं ये वर्डप्रेस की ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, ठीक है। और वो अगर कोई यूजर आपका डाटा सेव करना चाहते हैं तो आप बेसिकली वो आपसे पूछे आप क्या शो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप फुल टेक्स्ट शो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी पोस्ट जो है वो कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट पर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको समरी के तौर पर शो करेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के जो 200 वर्ड्स है, 256 आई थिंक वर्ड्स होते हैं, वो दूसरी वेबसाइट पर पिक करेगा और उसके नीचे आपकी वेबसाइट का लिंक दे देगा कि फुल आर्टिकल इस जगह पर पढ़े। तो अच्छा ऑप्शन हमेशा ये होता है समरी यूज़ करें, ताकि अगर कोई आपका डाटा स्क्रैप ओके करते हैं आपकी फीड को फेच करना चाहते हैं तो उसको हमेशा समरी मिले और आपका एक बैकलिंक क्रिएट होता है, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया जनरल सेटिंग क्या है, हमने डिस्कस कर लिया राइटिंग, हमने डिस्कस किया रीडिंग, रीडिंग के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, होम पेज का डिस्प्ले क्या है, जो लेटेस्ट पेज या स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज आप यूजली सेलेक्ट करते हैं जब आप सेटअप करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट या आप सेटअप करते हैं कॉर्पोरेट वेबसाइट। पोस्ट पेज जो है ये यूजली आपका ब्लॉग पेज होता है अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, और बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉग के लिए हमेशा लेटेस्ट पोस्ट जो है वो शो होती है। ये जो पोस्ट पेज है दिस वन एंड दिस वन इज द सेम, ठीक है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर होम पेज चेंज कर देते हैं तो आपको फिर कोई एक ब्लॉग पेज भी सेट करना होता है, इफ यू वांट टू, लाजमी नहीं होता कि आप हर वेबसाइट एक वेबसाइट के अंदर ब्लॉग भी ऐड करें। तो अगर आप ब्लॉग ऐड नहीं करते तो आप सिर्फ ये सेट कर लेंगे, इसको आप ऐसे नल ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब आपको कोई ब्लॉग पेज नहीं है आपसे बताएंगे, ठीक है। ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, आप अपने ब्लॉग पे कितनी पोस्ट एक टाइम पे शो करना चाहते हैं आप यहाँ पे डिसाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू 3, 4, 6, 8, 10 जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है, आप शो कर सकते हैं। शो इज द मोस्ट रिसेंट, ठीक है, ये मुझे नहीं पता चला क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ा हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास में चलाता इसको बता दूंगा देखता है, ठीक है। और हम ये इंप्रेस करते हैं कि मैं थोड़ी चेंज की थी, डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन जो है ये है कमेंट्स के बारे में, जो आपकी पोस्ट के नीचे हमने लिखा था दिस वन, ठीक है। तो अब वो मुझसे पूछ रहे अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फॉर्म द पोस्ट, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फॉर्म। अच्छा ठीक है, ये अगर कोई भी कमेंट करेगा कोई नोटिफाई करता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फॉर अदर ब्लॉग्स, पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स और न्यू पोस्ट। ये बेसिकली एक बैकलिंक से एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर जाके अपने लिंक क्रिएट करते हैं, कोई आप जो वेबसाइट लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपको चेक करना होता है कि लिंक्स कौन से हैं, डू फॉलो हैं, ये हम एसईओ के अंदर भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल वो करें, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स फॉर न्यू पोस्ट, यस बाय डिफॉल्ट चेक। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ से
पहले मुझे आपको देखा होगा कि मैंने कुछ एक पोस्ट पे जाके या पेज पे जाके ये ऑप्शन वन बाय वन रिमूव की थी। अगर मैं इसको वो कर देता हूँ तो ये थीम ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पे अगेन थीम का ऑप्शन आता है। लेकिन क्योंकि मैं वो भी हूँ, सॉरी, मैं एडमिन से लॉगिन भी हूँ, अब मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसे भी एक्सेस मिल गया कि नहीं दे रहा। ठीक है, ये जब आप एक रैंडम यू के तौर पर एक्सेस करते हैं तो ऐसे ऐसे आपके पास ऑप्शन आती है। और ये मुझे नहीं पता कि अगर मैंने यहाँ से इसको, ठीक है, अच्छा, डी सेटिंग में भी ओरिएंटेड फॉर इंडिविजुअल पोस्ट, अगर मैंने यहाँ पे इनको मैनुअली किया था, इस वजह से वो उसको कमेंट का ऑप्शन वहाँ पे फीड शो कर रहा है। ठीक है, अगेन मैं इसके लिए थोड़ा सा सॉरी हूँ कि कन्फ्यूजिंग हो गया। ठीक है, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन, और ये एक मिनट रह गया है, ये सेशन क्लोज हो जाएगा, तो अब मुझे दोबारा इतनी मीटिंग जनरेट करनी पड़ेगी। मैं ईमेल पे सेंड करूँगा तो काइंडली सारे जो है ना वो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है, ताकि हम लेक्चर आगे यहाँ से कंटिन्यू कर लें। ठीक है, एक मिनट और 8 सेकंड रह गए। ठीक है, और यहाँ से वो अगेन ऑप्शन है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। आपने देखा होगा यहाँ पे पोस्ट के अंदर ये कमेंट्स का ऑप्शन आता है, लेकिन चूँकि हमने इस पोस्ट के लिए वो मैनुअली एडिट किया था तो इस ऑप्शन की वजह से वो अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सारी पोस्ट की ऑप्शन को यहाँ से रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि थीम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, मोस्टली थीम सपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ से अनचेक कर दें, ऑटोमेटिकली सारी पोस्ट जो कमेंट है वो डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ थीम नहीं भी करते कि आप यहाँ चेंज कर दें, उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, और कमेंट्स आफ्टर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। ये देखें, ये आपसे नेम और ईमेल पूछ रहे हैं और इसमें आगे स्टेरिक भी लगा हुआ है। अगर मैं मस्ट को रिमूव कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि ये जो रिक्वायर्ड है ना ये ख़त्म हो जाएगा कि आप इसे बगैर भी सबमिशन कर सकते हैं। देखें, स्टेरिक था ना, ये रिमूव हो गया। स्टेरिक का मतलब था कि ये रिक्वायर्ड है, तो अब ये रिक्वायर्ड नहीं रहा। यूजर